खाता बुक ऐप की ऐसी क्या खासियत है? अरे भाई, खाता बुक ऐप में बैकअप का सुविधा भी है। आप फोन घूमेगा तो कोई टेंशन नहीं, आपका डाटा आपको फिर मिल जाएगा, समझे? तो ये है हमारे परफेक्ट हिसाब किताब का राज, खाता बुक ऐप। डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिलालन टॉप। 2008 में हॉलीवुड के माने हुए फिल्म मेकर डैनी बॉयल की एक फिल्म आई थी, स्लमडॉग मिलियनेयर। जी, मुंबई के स्लम्स में पैदा हुए दो भाइयों की कहानी थी, जमाल और सलीम। जमाल बड़े होकर कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लेता है और बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के वो सभी सवालों के सही जवाब दे देता है, इसलिए उसे चीटिंग के जुर्म में पुलिस पकड़ लेती है। फिल्म में जमाल का रोल देव पटेल और सलीम के रोल में मधुर मित्तल ने काम किया था। बचपन वाला जो सीक्वेंस था उसमें इन दोनों लड़कों का जो रोल किया था वो एक था आयुष खेड़ेकर और अजरुद्दीन मोहम्मद इस्माइल ने। अब फिल्म रिलीज हुई और 8 ऑस्कर जीते इसने। इसी फिल्म के लिए एआर रहमान ने ऑस्कर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए जीता और फिर ग्रैमी किसी भी फिल्म के लिए लिखा गया सर्वश्रेष्ठ गाना उस कैटेगरी में जीता। क्या हुआ था ये खबर उस बारे में नहीं है, फिल्म के रिलीज के 12 साल बाद क्या हो रहा है इस बारे में है। अब हो क्या रहा है कि जिस अजरुद्दीन मोहम्मद इस्माइल ने फिल्म में सलीम का सेकंड लीड रोल किया था वो बेघर हो गए हैं, उनका घर बिक गया है, वो घर जो फिल्म की टीम ने उन्हें दिया था। अजर मुंबई के गरीब नगर स्लम से आते हैं, उन्हें डैनी बॉयल की कास्टिंग टीम ने सबसे पहले यही देखा था। 300 बच्चों का ऑडिशन करने के बाद सलीम के रोल के लिए अजहर को सिलेक्ट किया था। अजहर के अलावा स्लम की ही एक और बच्ची रुबीना अली कुरैशी को भी फिल्म में लिया गया था। ये फिल्म बनी, रिलीज हुई, मकबूल हुई और जो बच्चे ट्रेन में कभी बैठकर मुंबई से बाहर तक नहीं गए थे वो फ्लाइट में उड़कर अमेरिका गए एकेडमी अवार्ड्स सेरेमनी अटेंड करने, लौटे और सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा था। माने अजहर ने कल किसने देखा नाम की एक और फिल्म की और फिर बैक टू पवेलियन, वही 10x10 की होली, वही गरीबी, वही जिंदगी। ये सब देखकर इंडिया में बहुत बवाल हुआ। कहा गया कि स्लमडॉग मिलियनेयर की टीम ने इंडिया के चाइल्ड आर्टिस्ट को ढंग से पैसे नहीं दिए, हंगामा मच गया। इसके बाद डायरेक्टर डैनी बॉयल ने प्रोड्यूसर के साथ अजहर और रुबीना के लिए जय हो नाम का एक ट्रस्ट शुरू किया। इसके तहत उन्हें मुंबई के सांता क्रूज इलाके में घर दिए गए, साथ ही बच्चों के 18 साल तक होने तक उन्हें महीने के 9,000 रुपये भी मिलते थे ताकि उनका गुजर बसर अच्छे से हो जाए, कोई दिक्कत ना रहे उन्हें। दोनों बच्चे 18 साल के हो गए। जय हो ट्रस्ट वाला घर उनके नाम पर रजिस्टर करवाने के बाद ट्रस्ट बंद कर दिया गया। इसके साथ हर महीने मिलने वाली जो रकम थी वो भी बंद हो गई। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक रुबीना जहां मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर अपना करियर बनाने की कोशिशों में लगी हुई हैं, वहीं अजहर को पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं था, वो बिजनेस करना चाहते थे। उन्होंने काम शुरू किया लेकिन वो चला नहीं। अजहर गलत संगत में पड़ गए, ड्रग्स करने लगे, बीमार होने लगे और इलाज के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे क्योंकि घर में कमाने वाले इकलौता जो मेंबर था वो अजहर ही थे। और अजहर के पापा की डेथ स्लमडॉग मिलियनेयर की रिलीज के 1 साल बाद ही हो गई थी टीबी से। फिलहाल अजहर अब 21 साल के हैं। 6 महीने पहले उन्होंने 49 लाख रुपए में अपना घर बेच दिया। वो वापस अपनी फैमिली को लेकर बांद्रा के एक स्लम में शिफ्ट हो गए, लेकिन स्लम में रहने की आदत तो छूट चुकी थी। लगातार बीमार पड़ने लगे, बच्चे की सेहत में कोई सुधार ना होता देख उनकी जो माँ है वो उन्हें ले आई अपने गाँव जलाना औरंगाबाद महाराष्ट्र के पास। तो अब वो अपनी माँ के साथ वहीं रहते हैं। ये खबर यहीं तक। ऐसे और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए दिलालन टॉप। अगर आपने स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म देखी है उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं या इस खबर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स खुला है लिखें। और सिनेमा जगत की ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिलालन टॉप। शुक्रिया।